करने से पहले इन दोनों का इंट्रोडक्शन दे देते हैं आप लोगों को। तो यार ये एक गरीब एक चूतिया और ये उसका दोस्त एक पैसे वाला चूतिया। भाई यार ये हुई ना कुछ बात यार, माँ कसम यार जो सौ ठेले वाले देते हैं ना वो 5 स्टार क्या 6 स्टार क्या दुनिया का 69 स्टार वाला होटल भी ना दे पाए। But bro, it's fucking unhealthy. अबे हेल्दी वाली पैसे वैसे भी आजकल तू भरने वाला है। Why bro? Why would I pay for this oily shit? क्योंकि भोसड़ी के तेरे हेल्दी के चक्कर में कल मेरे 300 का चूना लगा। नहीं तूने क्या बताया था वो सब्वे टब्वे? नहीं एक बात बता, जब पूरा वड़ा पाव कैसे बनता है ये हम ही बता रहे हैं, तो वो बंदा वहाँ पे सैलरी क्या मेरी गान में सॉस डालने के लिए लेता है? Bro, first of all, it's not tabwe or labwe, it's called a subway. And वहाँ वड़ा पाव नहीं मिलता मेरे भाई, it's called a sub. अबे साले, जो भी कहते हो मुझे क्या करना? नहीं यार पैसे भी मैं ही दूँ गाड़ी भी मैं ही मरवाऊँ ऐसा थोड़ी होता है। चिल ब्रो, जस्ट टेल मी व्हाट वेंट रॉन्ग। क्या रॉन्ग यार, कल सुबह की बात है, मैं तो रस्ते से जा रहा था। नहीं नहीं नहीं, भेलपूरी नहीं खा रहा था और तभी मेरे पेट से आवाज आई, साहब साहब भूख लग रही है साहब, प्लीज कुछ खिला दो, भगवान भला करेगा साहब। और यार तभी लकीली सामने सब्वे भी था, तो फिर मेरे इंजीनियरिंग वाले क्रिएटिव और इमेजिनेटिव दिमाग ने ये सोचा कि क्यों ना आज सब्वे खाया जाए। इसी बहाने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाल देंगे, #eathealthy #stayhealthy। और फिर क्या पता कोई इंस्टाग्राम मॉडल इम्प्रेस हो जाए, फिर गच्चो गच्चो, फिर शादी, फिर बच्चे, सब सुबह की फैंटेसी पूरी हो गई हो तो कुछ खा ले वरना फिर गैस हो जाएगा, फिर आगे पीछे दोनों छेदों से दिन भर पुड़ 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 पुड़। यार हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी नहीं लगना चाहिए। हेलो सर, वेलकम टू सबवे। सर कौन? सर कैसे? सर कहाँ है यहाँ पे? अच्छा मैं? दया कुछ तो गड़बड़ है दया, इतनी इज्जत तो तुझे आज तक नहीं मिली। पक्का खाने में कुछ मिलेगा और तुझे किडनैप कर लेंगे, हाथ पैर बांध देंगे, ना हिला पाएगा ना पबजी खेल पाएगा। So what would you like to have? एक वड़ा, give me wet sub. Okay sir, which bread? क्या? Sir which bread? Multigrain, oats, garlic bread. क्या क्या इतने ब्रेड्स भी होते हैं? भाई नॉर्मल वाला ही दे दे यार। Sir 6 inch or 12? वैसे कभी नापा तो नहीं पर यार झूठ नहीं बोलूँगा, 5 के आसपास ही होगा यार। Sir bread size 6 inch or 12 inch? ओ अच्छा ब्रेड साइज, नहीं यार 6 इंच ही दो यार, 12 इंच का तो फूड पाइप नहीं होता, वैसे भी मुझे अकेले खाना, जिला को नहीं खिलाना। तो यार यहाँ तक जिलने के मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मैं माता चोलू जो इसमें आया। और यार वो सब्वे वाला भी मुझसे यही कहना चाह रहा होगा, निकल लौड़े तेरी औकात नहीं है सब्वे खाने की, निकल। बट क्या करता यार, जॉब का मारा नहीं कह पा रहा था। तो यार यहाँ तक तो जैसे तैसे तेरे भाई ने झेल लिया, लेकिन उसके बाद आया दुनिया का सबसे मुश्किल काम, शायद UPSC का एग्जाम भी उस समय मुझे इजी लगता लेकिन वो ज्यादा हार्ड था। सर आपके प्रेफर्ड वेजीज क्या होंगे? यार मम्मी ने खीरा टमाटर प्याज के अलावा कभी किसी का नाम ही नहीं बताया था और वहाँ तो इतनी सारी चीजें थी। पर यार तेरा भाई भी होशियार निकला, मैंने कहा ये वाला छोड़ के सब दे दो, पर यार सामने वाला होशियार भी था और हरामी भी, कहता है ये वाला कौन सा वाला? मैंने बोला ये, कहता कौन सा? भाई उसकी आंखों से समझ में आ रहा, कहता हाँ लोडू मुझे पता तेरे को कुछ नहीं आता, मैं फिर भी तेरी गांड मारेगा। तो यार जैसे जैसे तेरे भाई ने वेजेस का लेवल भी क्रॉस कर लिया, कसम से लग तो ऐसा ही रहा था कि कोई गेम चल रहा है, पहले बॉस आया फिर फाइनल बॉस और अब था मेगा बॉस अर्थात सॉस। यार मम्मी कसम यार सब्वे जाने से पहले मुझे ये तक नहीं पता था कि लाल केचप के अलावा भी और केचप होते हैं, हमारी जिंदगी में बस एक लाल केचप था और वहाँ तो रंग बिरंगे केचप पड़े थे। भाई एक सेकंड के लिए तो मेरी गांड फट गई थी वो सब देख के। पर यार इस बार वो सब्वे वाला कतई भगवान दरिया दिल, भाई उसे समझ आ चुका था कि इस लड़के को कुछ नहीं पता है, पहली बार सब्वे आया बेचारा, तो उसने सामने से ही पूछ लिया, सर स्पाइसी बना दूं? भाई कसम से अगर वो समय ये भी कहता ना कि सर टट्टी डाल दूं, मैं कहता हाँ तुझे जो ठीक लगे करते, बस मुझे मेरा सामान दे दे मैं जाऊं यहाँ से, क्योंकि ऑकवर्ड लेवल उस लेवल पे पहुंच चुका था ना कि अंदर से बस एक ही आवाज आ रही थी, मां चुदाए सब्वे नहीं खाना भाई मेरे को, जाने दे यहाँ से। तो यार फाइनली जैसे तैसे मुझे मेरा सब्वे मिला और मैंने उसे खाया, और मैं तुम्हें दिल से बता रहा हूँ यार वो 15-20 मिनट का जो मेंटल टॉर्चर था ना वो उस खाने के वर्थ इट नहीं था। नहीं मतलब इतना गांड मरवा के ये खाना था। भाई मैं सीधा निकला वहाँ से और सीधा भग के वड़ा पाव वाले के पास गया और एक वड़ा पाव खाया, और भाई उस वड़ा पाव ने ना, उस स्पेशल एक वड़ा पाव ने ना मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दी थी कल। तो यार फाइनली हमारी एनिमेटेड वीडियो आ चुकी है, तो उम्मीद तो यही करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी,
और हाँ यार, अगर आप लोग की कोई और स्टोरीज हो सबवे या मैकडोनल्ड्स या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। और हाँ गाइस, द एनिमेशन वॉज डन बाई एनिमेटेड भाई, तो प्लीज़ उसे भी चेकआउट कर लेना, मस्त बंदा है। बाय बाय। चल हट मेरे सामने से, जान दे बेखाली पीली मगज खराब न को कर रे। बहुत काम मुझे मिले ना आराम, मुझे थोड़ा बेटे चिल, सादा नहीं भोगते ना तो खोल देते वचपाजी खोपड़ा, तोड़ देते बेटे वचपाजी थोबड़ा। पक जोदी मेरे सामने चलेगी नहीं, मैं काम से वरे भी नहीं, मैं जो भी करूँ बेटा टका सब क्या। मन मोबा पथी का खोला, अगर मन में किसी के वो सामने बोले।